विश्व युद्ध के बाद। विश्व युद्ध में जीत का श्रेय मुख्य रूप से सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन को जाता है। इन तीन देशों ने यह तय किया कि सर्वप्रथम नाजी शासन व्यवस्था को विघटित करना है। विभिन्न अमानवीय कृत्यों के लिए नाजी अधिकारियों को दंड दिया गया, लेकिन केवल 11 को मृत्युदंड दिया गया, बाकी को कारावास और आजीवन कारावास मिला, जो कि उनके अपराधों की तुलना में बहुत कम था। फिर एक बार यूरोप का नया नक्शा बनाया गया। यूरोप का वह हिस्सा जिसे सोवियत रूस ने आज़ाद किया, अब वह रूस का प्रभाव क्षेत्र बना और जापान सहित बाकी हिस्सों पर अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र बना। जर्मनी का विभाजन हुआ और उसका पूर्वी भाग रूस के और पश्चिमी भाग अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया रूसी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। इसी तरह पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, ग्रीस आदि देश अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बने। जापान में वहाँ के राजा का शासन जारी रहा, मगर अमेरिकी तत्वाधान में चुनाव के द्वारा नई सरकार बनी और उसने एक नए लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। अमेरिका और रूस दोनों ने अपने प्रभाव क्षेत्र के देशों के आर्थिक पुनः उद्धार की योजना बनाई, ताकि युद्ध से जिन देशों का विध्वंस हुआ था वे फिर से विकास करें। इस बीच यह प्रस्ताव आया कि यहूदियों के लिए उनके पौराणिक शहर यरूशलम के आसपास एक अलग देश बने। यह वास्तव में अरब लोगों के क्षेत्र में था और अरब लोग व वहाँ रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों ने इसका विरोध किया। फिर भी अमेरिकी सरकार की मदद से 1948 में यहूदियों का देश इसराइल बना। संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे ही युद्ध में जर्मनी की हार की शुरुआत हुई, एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए प्रयास शुरू हुआ। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के नेताओं ने कई बार मिलकर भावी विश्व व्यवस्था और इस प्रस्तावित संगठन की रूपरेखा पर विचार प्रारंभ कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद अक्टूबर 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना और देशों के बीच विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना था। हर देश की आंतरिक प्रभुसत्ता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय और देशों के अंदर मानव अधिकारों व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। राष्ट्रसंघ मुख्य सदस्य देशों की सहमति के आधार पर ही काम करता था और उसके पास अपने निर्णयों को लागू करवाने की ताकत नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह ध्यान रखा गया कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर अगर प्रमुख देशों की सहमति हो तो उसे उन देशों के सैनिक बल के आधार पर लागू करवा सके। उस समय 5 प्रमुख देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष स्थान दिया गया। ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन। इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाया गया और प्रत्येक को यह अधिकार था कि वह किसी भी निर्णय पर आपत्ति होने पर उसे रोक सकता था। इसे वीटो अधिकार कहते हैं। सुरक्षा परिषद के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की आम सभा भी होती है, जिसमें कई मसलों पर विचार विमर्श और निर्णय होता है। इनके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थापित हुआ, जिसमें देशों के बीच के विवादों को सुलझाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियाँ ठीक से लागू हों। देशों के बीच सहयोग और विकास के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बनाई गई, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न समस्याओं के बावजूद पिछले 70 वर्षों से विश्व में शांति, विकास और सहयोग के लिए काम कर रहा है और जो तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को टालने में सफल रहा है।